हेलो जेमिनीज, सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए? क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं? सबसे पहली चीज़, मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी रीडिंग आप लोग को पसंद आई है, मुझसे आप कनेक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऑल्सो वीडियो सुनते समय आपको रिमाइंड करा दूंगी, वीडियो पसंद आया सो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इट हेल्प्स माई चैनल टू ग्रो एंड ऑल्सो इट हेल्प्स मी लेट मी नो कि आप लोग को वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सो अब अच्छा एक और चीज़ ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है जिसमें सारी रेमेडीज़ इंक्लूडेड हैं, चाहे जॉब की हो, वेट लॉस की हो, मनी अट्रैक्शन की हो, लव लाइफ की हो, कम्युनिकेशन, तो ना आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी रेमेडीज़ हैं। और भी प्लेलिस्ट हैं न्यूमरोलॉजी की, क्रिस्टल की, तो अपने मन पसंद अनुसार आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, ऑल्सो मेरे ब्लॉग्स भी हैं वेबसाइट पर, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग को। जेमिनी राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये अपकमिंग वीक? क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं? ओके जेमिनीज, अब देखो जेमिनीज आप लोग के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहला कार्ड जो आया है दैट इज द कार्ड ऑफ डेविल। अब ये कार्ड बताता है टेम्पटेशन, ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप लोग को टेम्प्ट किया जा रहा है टू चूज़ अ रॉन्ग पाथ। मे बी आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, मे बी आपको कोई नेगेटिव एडवाइस दे रहा है, मे बी आपको इजीली नज़र लग जाती है, मे बी आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव इंटेंशन से बात करते हैं। एंड यू फील दैट कि जब जब हम इनसे बात करते हैं हम ड्रेन फील करते हैं, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम इनकी बातों में आ जाते हैं, बट ये चीज़ हमारे लिए हेल्दी नहीं है। आपके मन कहता है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। मे बी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको पता है ये इंसान मेरे साथ गलत बिहेव कर रहा है, बट फिर भी मैं इससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। ऐसी कौन सी अटैचमेंट है जो मुझे एक नेगेटिव रिश्ते में रहने के लिए कह रही है? तो ये सारी एनर्जी ज़रूर दिखती हैं। यहाँ पे आपको संभल के चलना होगा, अवेयरनेस रखनी होगी, और ऐसे नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन एंड नेगेटिव रिलेशनशिप से दूर रहना बेहतर है। अपना समय ले लो, सोच विचार कर लो, लेकिन अपने आप को बिल्कुल भी नेगेटिविटी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत होने दीजिए। ये आपकी विल पावर ही आपको उससे निकाल पाएगी, नहीं तो आप वहीं पर स्टक रहेंगे, डरते रहेंगे, सोचते रहेंगे मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, कब मुझे यहाँ से चैन मिलेगा, कब मेरा यू नो या आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला इंसान बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली ड्रेन हो रहे हो, दैट मीन्स कुछ ना कुछ उस सिचुएशन में रॉन्ग है, उस पर्सन में कुछ गलत है। या तो स्ट्रांग होकर उसे बदलने की कोशिश करो, स्टैंड लो, अगर नहीं कर सकते हो तो उन चीज़ों को इग्नोर या दूर ही रहना होगा, ये एडवाइस आ रही है। आगे यहाँ पर द एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं जो एक फ्रेश एनर्जी, न्यू बिगनिंग, न्यू पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। एक शुभ एनर्जी आती हुई दिख रही हैं, एक वाइटैलिटी, गुड हेल्थ, गुड ब्लेसिंग्स के कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, सिर्फ स्पेशली पैसे को लेके, करियर को लेके, वो ग्रोथ आपको ज़रूर देखने मिलेगी। ऑल्सो द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं, जितने भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, एब्रॉड जाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कुछ पेंडिंग काम थे वो पेंडिंग काम आपके होते हुए दिख रहे हैं, रास्ते आप लोग के लिए खुलते हुए दिख रहे हैं, ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही हैं आपके करियर, लाइफ, एब्रॉड जाना, ट्रैवल करना, इन सभी चीज़ों में कोई ना कोई हैप्पीनेस का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड फाइनली जो अभी तक काम अटके हुए थे वो फाइनली होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर द नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं जो एक ऐसी एनर्जीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा वीक का जैसे जैसे एंड आएगा, कोई ना कोई चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर सोचोगे, वो चिंता मत कीजिएगा। यहाँ पे एक आज आके आपको ये शांति दे रहे हैं कि
कि शायद जितना भी आप वर्स सोच रहे हो उतना बुरा कुछ होगा नहीं, आप सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो। जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, काम डाउन, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इतना खुद को प्रोटेक्ट मत करो, अपनी बॉडी को स्ट्रेस ले लेके इतना टाइट मत रखो। जस्ट रिलीज़, सरेंडर, लेट गो, सब कुछ हो जाएगा सही से। ये मन में विश्वास खुद को बोलते रहना तो अच्छा माना जाएगा जेमिनी, दैट ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ओके, यहाँ पे द सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, विद दैट द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आप वीक के एंड आते आते कुछ ना कुछ ओपिनियन क्लैशेस आपके अपनों के साथ में हो सकते हैं, एंड ऑल्सो आपके मन में एक डिज़ायर उठ सकता है कि मुझे कुछ नया करना है। मेरे पास जॉब है, सब कुछ चल रहा है, बट मैं इस जॉब में खुश नहीं हूँ, मुझे नया जॉब ढूंढना है, मुझे मे बी जॉब से बिजनेस में आना है, मुझे कुछ नया करना है। कहने को तो सब कुछ चल रहा है बट थोड़ी बहुत बोर्डम मुझे सता रही है। तो ये टाइप के ड्यूअल थॉट्स, कन्फ्यूजन, डिसीजन मेकिंग चल सकती है आपकी लाइफ में। बहुत लोग जो लोग अरेंज मैरिज के लिए घर पर रिश्ते देख रहे हैं, तो आपके मन में ये आ सकता है कि ये रिश्ते से मुझे कनेक्ट नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कौन सा रिश्ता मेरे लिए अच्छा है। उसी तरीके से आगे का अगर मैं कार्ड देख लेती हूँ, सो द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, जो ये अगेन एक कॉन्फिडेंस, एक पावर, एक गुड लक को इंडिकेट कर रहे हैं। सो समवेयर आई फील नाउ वीक की स्टार्टिंग एंड एंड में, ठीक है, स्टार्ट में द डेविल थे, एंड में द फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स थे। तो ये दो कार्ड भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करे ऐसी सिचुएशंस को जहाँ पे वीक की शुरुआत एंड एंड में थोड़े बहुत इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हुए ये ठीक हो जाएंगे, मिड में सही हो जाएंगे, फिर से थोड़े से पंगे आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके नाउ, ये सब मुझे दिख रहा है। अभी आगे के भी हम मैसेजेस देख लेते हैं और क्या आ रहे हैं, फिर हम रीडिंग को लास्ट में कंक्लूड करेंगे। जेमिनीज, कहते हैं ना, अगर आपके लिए एक दरवाज़ा बंद होता हुआ दिख रहा है तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। डोंट वरी, हैव फेथ। जो चीज़ें आपके लिए आपको लग रहा है कि भैया मैंने तो सोचा था ये ऐसे वर्कआउट होना चाहिए लेकिन ये तो वैसे नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ आपको मन ही मन खाई जा रही है, परेशान कर रही है, वहीं काज आपको ये दिलासा दे रहे हैं कि चिंता मत करो, एक दरवाजे भगवान बंद करेगा तो 100 और खोल देगा। 100 ना सही, एक तो खोल ही देंगे ज़रूर। तो ये विश्वास आप ज़रूर रख सकते हो। आगे देखो, एक और डोर टू स्पिरिट के कार्ड है ना, दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैसेज फॉर यू जेमिनीज, बिकॉज यहाँ पे एक तो डोर वाइब्स थी, अपॉर्चुनिटी की वाइब्स थी, यहाँ पे आपके लिए मैजिकल डोर ऐसे ओपन होता हुआ दिख रहा है, विच शोज़ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू गाइडेंस, न्यू एनर्जीज आती हुई तो ज़रूर दिख रही हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव माना जाएगा, लाइक एक्सट्रीमली पॉजिटिव। अगर आप ये हफ्ते या आने वाले हफ्ते में जॉब चेंज करने वाले हो, कहीं शिफ्ट होने वाले हो, कुछ न्यू प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ज़रूर आपको उसमें सक्सेस आती हुई दिख रही है, उन सारे पैरामीटर्स पे अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे अगेन द फ्रूटफुल कार्ड्स आए हैं, आपकी मेहनत के रिजल्ट्स, ब्लेसिंग ज़रूर आते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर जेमिनीज, करियर के हिसाब से बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अमेजिंग कार्ड्स हैं, ट्रैवल रिलेटेड भी अच्छे कार्ड्स हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी के अच्छे कार्ड्स हैं। सिर्फ देखो पर्सनल लाइफ में या जो नेगेटिव ऑरा एनर्जीज जो आपके लोग आप पे प्रभावित करते हैं, आपको नेगेटिव इंटेंशन देते हैं, इन लोगों से आपसे थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। ये मुझे आप लोग के लिए मैसेजेस दिख रहे हैं। ओके, सी ऑल ओवर वाइब एंड एनर्जी से, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना रीडिंग कैसी लगी है जेमिनीज। तो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आप लोग के लिए मुझे दिख रहे हैं। ओके, ऑल ओवर इट्स अ गुड एनर्जीज, स्टार्ट एंड एंड में नेगेटिव कार्ड्स थोड़े दिखे हैं, वो ये एनर्जीज मुझे दिखा रहे थे, रेस्ट आई फील एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जेमिनीज, थैंक यू।